एक दिन एक कार्यक्रम के अंतर्गत छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने ग्राम पंचायत चड़तगढ़ उपरली में 60 लाख रुपए के पुल के विस्तारीकरण कार्य को विधिवत पूजा अर्चना कर आरंभ किया। इस मौके पर एक दिन एक गांव कार्यक्रम के तहत उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और विभागीय अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। अपने संबोधन में सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि पुल की वर्तमान स्थिति के चलते यहां दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इस पुल का विस्तारीकरण आवश्यक है। सत्ती ने कहा कि चड़तगढ़ में अनेकों विकास के कार्य चले हुए हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चड़तगढ़ में 20 लाख रुपए से दो बड़े हॉल बनाकर जनता को समर्पित किए गए हैं और 1.63 लाख रुपए से स्कूल में मरम्मत का कार्य भी किया गया है। इसके अलावा 10 लाख रुपए से लड़कियों के लिए चेंजिंग रूम और स्लैब युक्त नाली का निर्माण किया गया है। सतपाल सिंह सत्ती ने बताया कि गांव में गुरुद्वारा के साथ 4.44 लाख से रिटेनिंग वॉल का कार्य किया गया है, जबकि 13.63 लाख से विभिन्न संपर्क सड़कों पर पेवर लगाने के साथ साथ रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जा रहा है। चड़तगढ़ और रायपुर सोहड़ा रोड के ऊपर जो पुल हमारा इस खड के ऊपर बना है, इस पुल की तंगी के कारण बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे और कई लोगों की जहाँ पर मौत हुई है, क्योंकि सिंगल रोड था है, अब डबल हो गया लेकिन पुल उतना ही रहा। तो हमने एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को भेजी कि इस पुल को डबल करने के लिए पैसा दिया जाए, तो उस कड़ी में 50 लाख रुपया ये पुल बनाने के लिए हम लोगों को मिला। पीछे जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आए थे तो उस समय उन्होंने बताया था कि पुल का पैसा मंजूर हो गया, टेंडर लगाया और अभी इसका काम शुरू करेंगे, ताकि इस रोड के ऊपर, इस पुल के ऊपर एक्सीडेंट होकर के लोगों की, जो बेगुनाह लोगों की जान जाती है, वो न जाए। तो उसके लिए मैं दोनों ग्राम पंचायतों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि सब लोगों के सामने जहाँ एक्सीडेंट हुए हैं और लोगों की मौत हुई है। और दूसरा, जो एक गांव एक दिन ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया हुआ है, आज उसी कड़ी में चड़तगढ़ ग्राम पंचायत के लोगों की जन समस्याओं को सुना जाएगा। जो भी समस्या समय पर निवारण करने का है उसको समय पर कर देते हैं, वरना लोगों से लिख करके लेकर के डिपार्टमेंट में पहुँचा करके समय समय अनुसार उन समस्याओं का हम निवारण कर रहे हैं। बहुत सी समस्याएं इन 5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने निपटाई है, लेकिन अभी कोई और समस्या है तो उसको करने के लिए, देखने के लिए गांवों में सड़कें, बिजली, पानी, कोई ऐसी समस्या कोई भी है तो उसके लिए जो कार्यक्रम हमने रखा है